मध्य प्रदेश के बालाघाट में ढाई बच्ची के अपहरण के मामले में भाजपा महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष समेत तीन महिला का गिरफ्तार किया है। बूंदी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा पंचे सभी का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि मामला बालाघाट के है, जहां ढाई वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस के द्वारा भाजपा महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष सहित तीन महिला का गिरफ्तार किया। न्यायालय के निर्देश पर तीनों महिला का न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। भरवेली थाना प्रभारी हेमंत शर्मा के मुताबिक वार्ड क्रमांक 13 निवासी आदिवासी परिवार के ढाई वर्षीय बच्ची 11 जुलाई का लापता भई। परिजन के द्वारा 13 जुलाई का थाना में FIR दर्ज करवाई गई। पीड़ित परिवार के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि आंगनवाड़ी सहायिका उषा कठौते, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता योगिता कावड़े कुछ दिन पहले एक महिला का उनके घर लेके पहुंची रही। महिला बच्ची को गोद लेकर इच्छुक रही, लेकिन उनके द्वारा इनकार कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा महिला उषा कठौते का अभिरक्षा लेके पूछताछ की गई। उषा कठौते के द्वारा बच्ची के अपहरण स्वीकार किया गया। बतावा गया कि भाजपा महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष सारिका बिसेन योगिता कावड़े के साथ मिलकर बच्ची के अपहरण किया गया। पुलिस के द्वारा बच्ची का सारिका बिसेन के घर से बरामद करके तीनों आरोपी महिला का गिरफ्तार किया गया है। सोमवार का न्यायालय के आदेश पर तीनों महिला का जेल भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष सारिका बिसेन के पति पूर्व पार्षद था। महिला बच्ची का गोद लेके संतान के सुख प्राप्त करे की इच्छुक रही। परिजन के द्वारा गोद दे से इनकार करे के बाद तीनों महिला के द्वारा बच्ची के अपहरण के साजिश की गई रही। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दी इजाजत। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा।